तो दोस्तों क्या आप भी जब इंस्टाग्राम स्टोरी में दोस्तों यहाँ पर म्यूज़िक डालने के लिए जा रहे हो, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर स्टोरी में म्यूज़िक वाले बटन पर क्लिक करते हो दोस्तों, म्यूज़िक वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके इंग्लिश सॉन्ग्स शो हो रहे होंगे दोस्तों, और यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होंगे, जबकि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर शो कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करने के लिए जा रहे हो दोस्तों कोई सा भी सॉन्ग, तो यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोस्तों मेरे पास भी पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, आपको बताऊँगा इस वीडियो में किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया दोस्तों, अब मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं अब कोई सा भी सॉन्ग दोस्तों अपनी स्टोरी में लगा सकता हूँ, चाहे वो हिंदी सॉन्ग हो या इंग्लिश हो, कोई सा भी सॉन्ग दोस्तों मैं अपनी स्टोरी में लगा सकता हूँ। तो कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, चलिए आपको बता देता हूँ दोस्तों किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आपको बिल्कुल सही तरीके बताऊँगा, तीन तरीके बताऊँगा दोस्तों जिनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, और एक एक तरीका जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप वीडियो का एंड तक देखते रहिए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने पर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहला तरीका यहाँ पर ये है कि दोस्तों आप सबसे पहले प्ले स्टोर को अपने मोबाइल में दोस्तों यहाँ पर से ओपन करिए, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखकर यहाँ से सर्च करना दोस्तों। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा हो, सबसे पहला काम ये है कि दोस्तों आप इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए। सबसे ज़रूरी काम ये होता है दोस्तों, अगर आपको ये म्यूज़िक वाली प्रॉब्लम शो कर रही है दोस्तों, इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों अब दूसरा तरीका क्या है चलिए वो आपको बता देता हूँ। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है दोस्तों। अब दूसरे तरीके के लिए दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को दोबारा से यहाँ पर से ओपन करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंस्टाग्राम को मैं ओपन कर आपको बता देता हूँ दोबारा से। अब दोस्तों यहाँ पर से आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल के थ्री लाइंस वाले बटन पर क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले बटन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पर बिजनेस एंड एड टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर से। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हो आप स्विच अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस स्विच अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट और स्विच टू क्रिएटर अकाउंट का। तो यहाँ पर आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट वाले को सिलेक्ट करना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटर अकाउंट में स्विच हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दूसरा तरीका दोस्तों, इसके बाद भी आपकी स्टोरी में म्यूज़िक आ सकता है दोस्तों, लेकिन जो तीसरा तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। तो दोस्तों चलिए वो तीसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना होगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अब सिंपल से दोस्तों एक बार इस हेल्प वाले बटन पर आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हेल्प वाले बटन पर आने के बाद रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर गो बैक एंड शेक फोन पर क्लिक करना है, उस तरह से मोबाइल को एक बार आपको शेक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है दोस्तों, अब इस रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार और यहाँ पर इंक्लूड एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइप करना है ये चीज़ जो मैं अभी आपको लिख कर बता देता हूँ। डियर इंस्टाग्राम टीम, माई स्टोरी सॉन्ग सर्च बार इज़ नॉट वर्किंग, इट शोज़ नो रिजल्ट फाउंड, प्लीज़ फिक्स दिस। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है दोस्तों, आप इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हो और एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका। अब दोस्तों ये सब करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो ब्लू कलर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेंड वाला दोस्तों, तो सिंपल से यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना दोस्तों, और ये जो मैसेज है, ये जो फीडबैक है दोस्तों, ये इंस्टाग्राम के पास पहुँच जाएगा दोस्तों। काफ़ी सारे लोग इस तरह से दोस्तों इस फीडबैक को पहुँचा कर दोस्तों अपने इंस्टाग्राम में सॉन्ग सर्च वाली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और बिल्कुल सही तरीका आपको बताया। आप जैसे इस फीडबैक को सेंड कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 24-48 घंटों के बीच इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम का सॉल्व कर देगा। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी सेट। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में।